नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोविड की थर्ड वेव आए ना आए, आपके इलाके में डेंगी डेंगू आ गया है। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. डेंगी जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और ये चार अलग अलग प्रकार के वायरस है। कुछ न्यूज़पेपर्स में डेंगी टू जैसे वायरस, नया वायरस जैसे खबर सुनी, वो गलत है, नया नहीं है, पुराने वायरस है। टाइप 1 टाइप 2 वाले जो है डेन टू ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत पहले से है, मौजूद है, ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो डेंगी 1 डेंगी 2 दो वायरस इंडिया में पाए जाते हैं, चार मूल प्रकार के वायरस हैं। चारों जो हैं उसके ऊपर, जैसे आपको पता है वायरस के ऊपर एंटीजन होता है, तो ये चारों वायरस एंटीजेनिकली सिमिलर है, कुछ एंटीजन सारों में प्रेजेंट है लेकिन थोड़े थोड़े अलग भी हैं। इस वजह से किसी एक से भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन दूसरे चारों वायरस से कुछ महीनों के लिए आपको प्रोटेक्शन देता है, और किसी एक वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर वायरस से आपको लंबे समय, जिंदगी भर के लिए भी प्रोटेक्शन मौजूद होता है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम आती है जब एक पर्टिकुलर वायरस से आपको इन्फेक्शन होता है, कुछ महीनों के बाद दूसरे वायरस टाइप से आपको इन्फेक्शन, क्रॉस री इन्फेक्शन होता है, तो पहले वाले इन्फेक्शन की वजह से होने वाले जो आपके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं वो इस नए वायरस के साथ आने वाले एंटीबॉडीज, एंटीजन के साथ बहुत हैविली रिएक्ट करते हैं और इसलिए ऐसे केसेस जो हैं सीरियस हो जाते हैं। और जो आपके अंदर अगर वायरस है, आपके अंदर उस वायरस की इम्यूनिटी है, यानी पहले एक डेंगी वन से आप इन्फेक्ट हुए, आपने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिए, अगर आप फीमेल हैं, आपका बच्चा होता है तो वो आपके बच्चे में भी वो एंटीबॉडी चला जाता है, तो वो एंटीबॉडी आपके बच्चे में गया, अब उस एंटीबॉडी के चलते दूसरा डेंगी टू ने जाके अगर आपके बच्चे को काटा तो डेंगी टू आपके बच्चे में उस एंटीबॉडी, पहले डेंगी वन के एंटीबॉडी के साथ क्रॉस रिएक्ट करके थोड़ी सीरियस रूप धारण कर सकता है। जरूरी नहीं है मगर ऐसे एविडेंस है कि हो सकता है। तो प्राइमरी या फर्स्ट इन्फेक्शन जो होता है नॉन इम्यून पर्सन में सिंपल डेंगी फीवर कॉज करता है, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन डिफरेंट सीरोटाइप अगर वो है तब वो ज्यादा सीरियस इलनेस लाइक डेंगी हिमोरेजिक फीवर या डेंगी शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। इसीलिए एक डेंगी का वैक्सीन आ चुका था दुनिया के अंदर, सेनोफी ने बनाया था, लेकिन इसीलिए अब उसका यूज नहीं करते हैं कई सारी कंट्री दुनिया भर की इसका इस्तेमाल, क्योंकि वो एंटीबॉडीज एक पर्टिकुलर वायरस के वजह से दूसरे वायरस के क्रॉस रिएक्टिविटी होगी नहीं होगी इसका एविडेंस अभी नहीं है।